नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम जानेंगे जो हमारे घर में फेज़ और न्यूट्रल आते हैं तो जो हमारा फेज़ होता है वहाँ पे हम कंट्रोलिंग के लिए स्विच को फेज़ साइड ही हम हमेशा लगाते हैं। तो ऐसा क्यों हम फेज़ साइड ही क्यों लगाते हैं और न्यूट्रल साइड अगर हम लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्किट जहाँ पे मैंने ये न्यूट्रल साइड वन वे स्विच को लगाया है, यानी हम न्यूट्रल के साइड से हम कंट्रोलिंग करेंगे बल्ब को, तो उसकी भी क्या इफेक्ट होगी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है मगर हम जानेंगे अगर हम न्यूट्रल साइड स्विच को लगा के कंट्रोलिंग कराएंगे तो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने एक छोटी सी सर्किट बनाई, बल्ब जो है उसका ये मेन देखिए ये फेज़ आ रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी सप्लाई देखिए यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, अभी स्विच को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो मेरा मेन फेज़ यहाँ पे आ रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा फेज़ यहाँ पे आ रहा है और ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल साइड मैंने यहाँ पे ये वन वे स्विच का यूज़ किया है। तो अभी ये मेरा कंटिन्यूस फेज़ चालू है, जैसे ही मैं न्यूट्रल की साइड के स्विच को ऑन करता हूँ तो ये हमारा बल्ब ऑन होगा, यानी न्यूट्रल क्या करेगा सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। यानी अभी ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई, यानी अभी हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, मगर ये मैंने स्विच न्यूट्रल साइड यूज़ किए, ठीक है। अभी मैं ये स्विच को बंद कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, ये स्विच को बंद किया तो सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रहा, मगर जो फेज़ है वो तो कंटिन्यूस यहाँ पर आ रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको शायद देख सकते होंगे। तो यहाँ पर अभी भी हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, यानी मेरा यहाँ तक भी ये बल्ब है तो वहाँ तक ये सप्लाई हमारा आ रहा है। तो इसका ये जो नेगेटिव पॉइंट है कि हमारी सेफ्टी नहीं रहती। मान लीजिए ये जो फेज़ जा रहा है अभी यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई हमारा फेज़ लाइन चालू है, तो यहाँ पे गलती से मान लीजिए कहीं भी यहाँ पे पंचर होगा, वायर इंसुलेशन ख़राब हो चुका होगा या कोई भी हमने दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ किया होगा, तो यहाँ पे कुछ भी वायर में प्रॉब्लम होगा तो या फिर जो हमारा इक्विपमेंट होगा उसके अंदर कुछ लीकेज होगा, तो वहाँ पे उसको हम छुएंगे जब ये न्यूट्रल की साइड स्विच को रखाएंगे और उसको बंद करेंगे, फिर भी इसको छुएंगे तो हमें करंट लगेगा, झटका लग सकता है और हमारी सेफ्टी नहीं रहेगी। अगर हम फेस सेट स्विच जब यूज़ करते, रेगुलर जो यूज़ करते, तो उसमें क्या होगा हमारा फेस सही सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाएगा, यानी जब हम इक्विपमेंट को छुएंगे तो हमें शॉक या करंट नहीं लगेगा और सेफ्टी मिल जाएगी। अगर न्यूट्रल सेट इस तरह से यूज़ करेंगे तो पहली सेफ्टी नहीं मिलेगी, तो और दूसरा ये मेरा बल्ब कंटिन्यूस ओवर हीटिंग हीटिंग होता रहेगा थोड़ा, क्योंकि ये सप्लाई मेरा कंटिन्यूस जा रहा है, यानी ये जो हमारा बल्ब होगा या कोई भी हमारा अप्लाइसेंस होगा उसके अंदर कंटिन्यूस सप्लाई जाता रहेगा। कंटिन्यूस सप्लाई जाता रहेगा तो लीकेज की वजह से वो उसका जो आयुष है वो भी कम होता जाएगा और ओवर हीटिंग होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे अभी देखिए, अभी जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो अभी ये मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। मगर ये कंडीशन में मैंने जैसे आपको समझा कि अगर इसको मैं स्विच बंद कर देता हूँ, यहाँ से कुछ भी लीकेज होता है तो हमें शॉक लग सकता है। मैं आपको एक डेमो भी दे देता हूँ, अभी ये इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये पंचर कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पंचर हो गया, अभी मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ठीक है। अभी ये सप्लाई देखिए यहाँ पे भी हमारा आ रहा है कंटिन्यूस, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्विच को ऑन करता हूँ तो ये सप्लाई जा रहा है और ये अभी मान लीजिए अभी ये लीकेज है तो यहाँ पे कुछ भी सेफ्टी नहीं रहेगी, ठीक है। और न्यूट्रल जैसे ये स्विच को मैं बंद करता हूँ तो अभी हमें लाइन बंद होगी, मगर ये कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ से ये लीकेज करंट लीकेज आ रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई छुएगा कोई भी, यानी ये इक्विपमेंट को छुए इसको भी छुएगा तो यहाँ पे उसको शॉक लग सकता है, यानी सेफ्टी मेन चीज़ है, सेफ्टी नहीं रहेगी। और दूसरा जो हमारा इक्विपमेंट उसकी ओवर हीटिंग है होता रहेगा तो इक्विपमेंट में भी लीकेज की वजह से उसका भी आयुष्य जो हो उसका कम होता रहेगा। तो ये दो मेन रीज़न है कि हम न्यूट्रल साइड हम स्विच कंट्रोलिंग के लिए न्यूट्रल की साइड पर हम स्विच नहीं यूज़ करते, मोस्टली हम कंट्रोलिंग के लिए फेस साइड ही यहाँ पे फेस में ही हम कंट्रोलिंग के लिए स्विच को वहाँ पे यूज़ करें, जिससे कि हमें ये सेफ्टी भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो से हमें यही पता चलता है कि अगर हम कंट्रोलिंग के लिए अगर स्विच को न्यूट्रल साइड लगाते तो हमें सेफ्टी नहीं मिलती और हम फेस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर स्विच को हम फेस साइड ही हम यूज़ करते जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो जिससे कि हम फेस को कंट्रोलिंग भी करा सकते हैं और हमें सेफ्टी भी मिलती है। तो यही चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम न्यूट्रल साइड स्विच को लगाते हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।